यार ये अनपढ़ मोमोज वाली, मतलब बीटेक सुन लिया, एमबीए सुन लिया, ये अनपढ़ आपने इसके आगे वर्ड क्यों लगाया? ज्यादा पढ़े हो या फिर अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसल्टिंग होगा, लोग बेइज्जती करेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत लोग मेरे कार्ड को देख के हंस के जाते थे। जब लड़की घर से बाहर निकलती है, सारी मेहनत उसकी, पैसे उसके, टाइम उसका, सोसाइटी क्यों आ जाती है बीच में? जो जलते हैं वही तो करेंगे ना। बहुत लोग गलत भी बोलते हैं इसको, मतलब अंदर से ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अन सोसाइटी हो, दिल्ली हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएनए मार्केट जो कि फेमस से फ्रूट मार्केट के लिए, फिश मार्केट के लिए, वहाँ पे आप मोमोज का कॉन्सेप्ट लेके आए हो। क्या सोचा था भाई कि मोमोज में कैसे आ गए? मार्केट तो कोई सा भी अपना धंधा स्टार्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि मेरे को मोमोज की रेसिपी पता थी, तो मैंने सोचा मोमोज का ही काम सही है। तो ये एकदम से आइडिया कैसा है? मोमोज खिलाऊंगी और पूरी दिल्ली को अपने स्वाद का दीवाना बना दूंगी। नहीं, एकदम से नहीं आया, काफी सोचा है इसके बारे में, उसके बाद स्टार्ट किया। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, बहुत सारी मैंने वीडियोस में देखा है कि पहले आप जॉब करते थे, जॉब के बाद आप मोमोज में आए हो, मतलब ऐसी फर्जी अफवाह है या सच में जॉब करते थे? जैसे कि हमें यहाँ भी मेहनत ही करना है, वहाँ पे भी मेहनत करना पड़ता है, बॉस की सुननी भी पड़ती है, यहाँ किसी की सुननी नहीं पड़ती है, चाहे नुकसान हो। तो एक्सपीरियंस कैसा था जॉब का? मेरा बहुत बेकार था। सबका ऐसा ही होता है जॉब में। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया इस कार्ड को? अभी 2 महीने पूरा हो गया है। बीटेक सुन लिया, एमबीए सुन लिया, हर तरह की डिग्री मैंने देख ली है, ग्रेजुएट देख लिया, ये अनपढ़ आपने इसके आगे वर्ड क्यों लगाया? एक्चुअली सबके लिए जगह दे दी है, सबने। अनपढ़ के लिए किसी ने जगह नहीं दिया ना, मैंने सोचा है उसके लिए जगह दे दूं मैं भी। मतलब ज्यादा पढ़े हो या फिर अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। मुझे बताइए अभी आपके पास कौन कौन से मोमोज, एक बार दिखा दो। ये वेज है। इसका प्राइस क्या रहता है? वेज ये 100 का फुल प्लेट है, 12 पीस। ये पनीर वाला है। ये पनीर वाला है। सबकी शेप अलग अलग होती है, एक होती है अलग अलग होती है, और ये चिकन वाला है। आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है 8 बजे के बाद। आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मुझे बताइए आपके मोमोज को इस मार्केट में प्यार कितना मिला? बहुत ज्यादा भाई। आप आए और आते ही वायरल हो गए। सोचा था? नहीं सोचा था, इतनी जल्दी नहीं सोचा था। हाँ, मतलब धीरे धीरे सोचा था, पर इतनी जल्दी हो जाऊंगी मैंने कभी नहीं सोचा, तो मुझे बताइए प्लेट में क्यों बटर लगाते हो आप? मैम टेस्ट देने के लिए। मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे बटर पहले पूरे के पूरे बर्तन में लगा था, उसके बबाद प्लेट में लगाया। हाफ में कितने आएंगे? हाफ में 6 पीस। और प्राइस क्या रहता है इसका? इसका प्राइस रहता है 60 रुपीज। मसाला लगाना है? हाँ मसाला लगा दो, और ऊपर से भी बटर लगेगा। हाँ जी। ये आ गया ऊपर से ओरिगेनो, ये रेड चटनी, और ये दूसरी चटनी कौन सी है? ये मेरी स्पेशल चटनी है। तो भाई मैं आ गई हूँ INA में, और INA में ना मुझे एक जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कि मैंने देखा कि यार एक कार्ट है मोमोज का जिसका नाम है अनपढ़ मोमोज वाली। भाई मैंने ना हर जगह देखे, हर डिग्री के ऊपर मैंने देख लिया, लेकिन भाई जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी उसको अनपढ़ बोलते हैं, और अनपढ़ नाम पे यहाँ पे कार्ट खोल रखा है। मोमोज दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसका टेस्ट बताती हूँ मैं, इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो लिए वो लिए पनीर मोमोज, जिसका प्राइस है 60 रुपीज हाफ का। इसको टेस्ट करके बताऊंगी इसका स्वाद कैसा होगा। तो भाई मुझे अभी तक लग रहा था जो मोमोज फेमस है ना, ये है सिर्फ नाम की वजह से फेमस, लेकिन सीरियसली इनका टेस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जो दोनों चटनियों का कॉम्बिनेशन है एकदम मजेदार है। मुझे मोमोज 10/10 लगे। मैं यहाँ पे इसको खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर भूख लगे तो भाई यहाँ पे मोमोज खाते रहिए।